हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड कैसे हो आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करूंगी हिमालय का लिव 52DS टैबलेट की। आज की वीडियो में हम जानेंगे इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, इसको कब और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, ये सब की जानकारी आज के वीडियो में होने वाली है। वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल बटन को जरूर हिट कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपके पास पहुँच रहे। गाइस, लिव 52DS टैबलेट एक प्रचलित एंड लोकप्रिय मेडिसिन, ये एक आयुर्वेदिक दवा है। ये टैबलेट फॉर्म के साथ साथ लिक्विड फॉर्म में भी आता है। ये आपको कोई भी मेडिकल स्टोर में इजीली मिल जाता है। ये टैबलेट आता है एक डब्बे में 60 टैबलेट। इसका प्राइस है 170 रुपीज। गाइज, बात करें इसके बेनिफिट को, इसका यूज बेसिकली लीवर संबंधी रोगों के लिए किया जाता है। अगर आपका लीवर कमजोर है, लीवर ठीक से काम नहीं कर पा रहा, उसके लिए भी ये टैबलेट बेस्ट है। ये टैबलेट लीवर के कार्य को क्षमता को बढ़ा देता है। लीवर से जुड़े हर समस्या के लिए लीव 52DS टैबलेट फायदेमंद है। गाइज, अगर आपको फैटी लीवर की प्रॉब्लम है, जॉन्डिस की प्रॉब्लम है, उसके लिए भी ये टैबलेट काफ़ी फायदेमंद है। अगर आपका डाइजेशन कमज़ोर है, आपका पाचन खराब है, आपका खाया हुआ खाना अच्छे से पच नहीं पा रहा, उसके लिए भी ये टैबलेट काफ़ी फायदेमंद है। अगर आपको भूख नहीं लगती है, खाना खाने का मन नहीं करता है, शरीर में कमजोरी है, थकान रहती है, शरीर में दुबलापन है, तब भी आप ये टैबलेट को यूज़ कर सकते हैं। ये टैबलेट आपके भूख को बढ़ाता है, खाना को अच्छे से पचाता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। अगर आपको भूख अच्छे से लगने लगेगी तो खाना अच्छे से खाएंगे, और खाना अच्छे से खाएंगे तो ऑटोमेटिकली शरीर में लगेगा। ये दवा लीवर को सेहतमंद रखता है और उससे संबंधित सभी इन्फेक्शन को दूर करता है। बात करें इसकी डोज की, तो बच्चों को खाना खाने के बाद आधी से एक गोली देनी चाहिए दिन में 2 से 3 बार, एंड बड़ों को 1 से 2 गोली 2 से 3 बार दे सकते हैं। फिर भी अच्छा यही होगा कि आप इस टैबलेट को लेने से पहले एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। गाइज, बात करें साइड इफेक्ट की, तो ऐसे उसका नॉर्मली साइड इफेक्ट नहीं देखा जाता है। किसी को अगर ये मेडिसिन सूट नहीं करती तो स्किन में एलर्जी, जलन, चक्कर आना, सुस्ती आना, चेहरे पे लाल चकत्ते पर होना, सिर पर भारीपन महसूस होना, इस टाइप का कुछ साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरी रिव्यू से कुछ हेल्प मिली हो। मेरी रिव्यू अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक जरूर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर जाइएगा, फ्रेंड और फैमिली साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।